मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर में लंबे समय से किला गेट से फूलबाग और किला गेट से हजीरा तक ऊबड़ खाबड़ सड़क से रोजाना निकलने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। वहीं पैदल राहगीर भी इस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते समय चोटिल हो रहे हैं और इस सड़क के दाएं बाएं व्यवसाय करने वाले दुकानदार भी दिन भर उड़ रही धूल से काफी परेशान हैं, जिसके कारण शुक्रवार को किला गेट पर सड़क की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। इस धरने के द्वारा मांग की गई है कि जल्द किला गेट से फूलबाग एवं किला गेट से हजीरा जाने वाली सड़क को जल्द बनवाया जाए या फिर जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करवाई जाए ताकि सड़कों पर निकलने वाले वाहनों को परेशानी ना हो और दुकानदारों को भी धूल से हो रही परेशानी से निजात मिल सके, क्योंकि इस सड़क को सीवर व पानी की पाइपलाइन की खुदाई के लिए खोदे हुए पूरे 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन इसे अभी तक बनवाया नहीं गया है। कई बार मंत्री नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक से इसकी शिकायत की गई है, फिर भी सड़क बनवाने को लेकर सभी का उदासीन रवैया बना हुआ है। प्रकार ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना विगत 9 महीने पूर्व 8 महीने पूर्व यहाँ पर सीवर पानी की लाइन डली थी किले गेट से फूलबाग तक, और उससे पहले 3 साल पहले हजीरे किले गेट से फूल तक की रोड गप और वो सीवर लाइन डली थी। दोनों रोडों का जर्जर हालत में हो गई है, सड़कें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं, हमारे टेम्पो कर्मचारी जो है जो वाहन चलाते हैं उनको काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। वाहन टेम्पो में सवारी बैठती है, वो टकरा के एक दूसरे से टकराती है, वो झगड़ा करते हैं ड्राइवरों से कि तुम कैसे चला रहे हो जबकि रोडों की हालत आप खुद देख रहे हो। और इन बातों को लेकर हमने कई बार मंत्री जी को, प्रभारी मंत्री को, प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं और मांग करी है इस रोड का निर्माण करें। विगत 1 महीना पूर्व 12/10/21 को माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी ने और ऊर्जा मंत्री भाई प्रद्युमन सिंह जी ने इस रोड का भूमि पूजन किया, बोले कल से ये रोड बनना चालू हो जाएगी। आज 1 महीना 7 दिन हो गए, अभी तक इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। इस मांग को लेकर हमने 16 तारीख को एक बैठक करी कि उपनगर ग्वालियर से चलने वाले सारे टेम्पो हम बंद रखेंगे, जिनकी संख्या 149 है, सिर्फ ग्वालियर के हमने टेम्पो बंद रखे हैं और किसी भी वाहन को हम छेड़ नहीं रहे हैं और ना ही किसी सवारी को परेशानी होने दे रहे हैं। सिर्फ हमारी यही मांग है इस रोड का शीघ्र निर्माण कर दिया जाए, जिससे कि जनता को भी राहत मिले, जो हजारों लोग इस रोड से निकलते हैं उनको राहत मिले। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं और आप सब हालत देख रहे हो, क्या हालत हुई पड़ी है। इन्हीं बातों को लेकर ये हमारा धरना है। अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी हमारा कदम होगा, पूरे शहर की सड़कों को बंद रखेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे।